हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आप लोगों को आज बताएंगे कुछ नए जानकारियों के साथ आपसे हम चलेंगे अपना। तो मैं शिवेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे जो कि ठंडी जैसे कोल्ड सीजन में सबसे जरूरी होता है हीटर। हीटर हम कौन सा लें? तो हम सबसे दो हीटर आप लोग जनरली देखे होंगे, एक देखे होंगे राड वाला जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, दूसरा देखेंगे उसी में दूसरे टाइप का होता है इलेक्ट्रिक में ब्लोअर, और दूसरा आप लोकल में देखते होंगे जो कि एक गैस वाला आता है। तो इन तीनों में कौन सा हीटर बेहतर होता है या कौन सा हीटर आपको लेना अच्छा होगा, ये हम आप लोगों को बताएंगे और किसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो पहला हम लेते हैं सबसे कम और सबसे सस्ता आने वाला, जो कि गैस के ऊपर एक डंडे नुमा लगा दिया जाता है, और जो आप देख सकते हैं उस हीटर को आप नॉर्मली जिसका टंकी आता है 400 का, और ये इसके ऊपर वाला जो आता है हेड ये आता है 150 से 200 का। तो आपको ये 550 में ये पूरी तरह से हीटर तैयार हो जाएगी। आप इसमें गैस भरिए, 2 किलो गैस अगर भरते हैं और नॉर्मल यूज करते हैं तो आपका कम से कम 15 से 20 दिन नॉर्मली चलता है। तो और ये आपका खर्चा आएगा कम से कम 15 से 20 दिन में आराम से। और इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, इसका ताप जो होता है काफी दूर तक जाता है, आपको 1 मिनट में आपके पूरे शरीर को गर्म कर देता है। फिर आप आता है इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके जो नुकसान होता है कि इसका जो ये गोल नुमा जो आप देख रहे हैं वो जो कटोरी नुमा है ये काफी गर्म हो जाता है, जो कि अगर गलती से टच हो गया तो जल जाएगा। नॉर्मली इसमें लाइट वाला कोई खतरा नहीं होता है और ना ही कोई हाई वोल्टेज होता है जिससे आपको काफी ज्यादा खतरा हो, पर इन चीजों में आपको बहुत फायदा रहेगा। फिर दूसरे टाइप का आता है आपका हीटर जो कि आता है राड वाला। राड वाला आता है आपको 1000 वाट बिजली वाला, जो कि आप नॉर्मली अगर यूज करते हैं, पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है जो कि ये राड इसके काफी पास बैठने पर ये आपको हल्का वो जो मैंने ये गैस वाला बताया उससे कम से कम 25% ही इसका ताप देता है। ये काफी देर बैठने पर आपको घर आपको ठंडी आपकी जाएगी और आपके रूम को भी ये गर्म नहीं करता है। जहां गैस वाला हीटर अगर आप जलाते हैं, अगर आप 10 मिनट अपने रूम में जला देते हैं तो आपका रूम पूरी तरह गर्म हो जाएगा। फिर आपका तीसरी टाइप का आता है ब्लोअर। ब्लोअर जो होता है ये सबसे ज्यादा वाट और सबसे ज्यादा बिजली खाता है, जो कि आपके बिजली को खाता है, पर ये अगर आप आधे घंटे चला दें तो ये आपके पूरे रूम को गर्म कर देगा और पूरी तरह से। ये नॉर्मली लोग जो भी है ब्लोअर का यूज करते हैं, और जो थोड़ा सा कम होता है जो इसको कम पैसा खर्च करना होता है वो राड का, और जो सबसे कम पैसा खर्च करना होता है उनको वो गैस गीजर, क्योंकि गैस हीटर थोड़ा सा गरीबों वाला लगता है। तो आपको चलिए इन तीनों के नुकसान मैं बता देता हूँ, जो कि इसके सबसे अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तब आपको नुकसान बता देता हूँ। इसके अगर आप गैस गीजर के आप संपर्क में आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में कहीं टच होगा हल्का सा जल जाएगा, क्योंकि उससे पहले ये आप हटा लीजिएगा, और ये एकदम साइड में रखने के काफी यूजफुल होता है ये आपका। पर ये दो राड और जो ब्लोअर है, तो इसका राड का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि राड मैं कभी नहीं कहूंगा आपको लेने के लिए, क्योंकि राड का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसको पास में बैठ के तापना होता है, और जो भी ताप लेना होता है इसके पास में बैठ के लेना होता है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि आपके जब पास में बैठेगा तो उसको आप हाथ पैर ऐसा हो जाएगा लग जाएगा, और कहीं करंट आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ब्लोअर का ये नुकसान नहीं होता, क्योंकि ब्लोअर आप कहीं भी ऊपर रख देते हैं और ये आपका रूम उसके पास आपको बैठने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पूरे रूम को गर्म कर देता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा बिजली खाता है। तो मैं आपको हमेशा प्रिफेयर करूंगा, अगर आप पैसे की दिशा से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो गैस हीटर लीजिए, अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा कर सकते हैं तो आप ब्लोअर लीजिए। तो कैसा ये लगा हमारा वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड एक अलग टॉपिक बताऊंगा।